स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, NUCFDC का क्या मतलब है? ए. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। बी. सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ। सी. राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। एक्सप्लेनेशन, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की शुरुआत की। NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। NUCFDC का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए. जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना। बी. ग्रामीण गाँवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना। सी. औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। डी. जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। आंसर डी. जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। अगला प्रश्न, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए. तमिलनाडु। बी. उत्तराखंड। सी. गुजरात। डी. हरियाणा। आंसर सी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा, गुजरात में की जाएगी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रतिमाह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए. 100 करोड़। बी. 150 करोड़। सी. 250 करोड़। डी. 350 करोड़। आंसर बी. 150 करोड़। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, लोगों विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रेकी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ए. हाइड्रोजन लोकेटर। बी. पिंक टॉयलेट लोकेटर। सी. हापिक लोकेटर। डी. हाइजीन प्लस फाइंडर। आंसर सी. हापिक लोकेटर। एक्सप्लेनेशन, शौचालय की स्वच्छता से जुड़े उत्पाद बनाने वाले भारत के अग्रणी ब्रांड रेकिट ने सभी लोगों और सबसे खास तौर पर महिलाओं तक सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक इनोवेटिव ऐप आधारित समाधान हापिक लोकेटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐप यूजर्स को पानी, साबुन, टिश्यू पेपर, सफाई और प्रकाश जैसी सुविधाओं के आधार पर शौचालयों को रेटिंग देने में भी मदद करता है।